सफारी जो कोट मॉडल जो होता है, कोट के जैसा बाजू होता है, उसका मैं कटिंग करके बता रहा हूँ। तो इसका जो छाती है वो 40 इंची है, ठीक है। 40 के हिसाब से आपको मैं पूरा मजरमेंट करके बताऊंगा और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो पहले दोस्तों आपको एक एक इंची का यहाँ से स्टेट मार्क लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप एक पहले मार्क लगा लें, उसके बाद में यहाँ से जो ना 1 इंची ऊपर छोड़ करके नीचे एक मार्क लगा लें इस तरीके से। आपको लॉन्ग बाजू जो है ना मुश्किल होता है, जो हाफ होता है उससे मुश्किल बड़ा वाला होता है। तो ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों इसका 22 इंची लंबाई है बाजू का, ठीक है। तो ये 22 इंची के ऊपर हम हाफ इंची ज्यादा दे करके 22.5 के ऊपर मार्क लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों अब इसका जो मेन जो काम है अभी मैं करने लगा हूँ। तो दोस्तों पहले आपको 1-2 इंची के ऊपर निशान लगाना है। 2 इंची के ऊपर निशान लगा करके इसको फुल मार्क लगा लेंगे। फुल मार्क लगाने के बाद में दोस्तों अब ये हमने 40 छाती है, ये 40 छाती है, 10 इंची हुआ। तो 10 इंची में हमें 3.5 इंची काम करना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 3.5 इंच, 6.5 इंची रखना है, ठीक है। आपको अगर नहीं हो रहा तो यहाँ से 10 इंची रखिए और 1, 2, 3, 3.5 इंची यहाँ से डाउन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में 1 इंची एक मार्क ऊपर भी लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये 3.5 इंची डाउन हो गया और 1 इंची इसका ऊपर एक मार्क लगा दिए, उसका मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगा। आपको 10 इंची रखे, जैसे आप यहाँ से रख रहे हैं 10 इंची, तो आपको मुश्किल हो रहा है, तो आप इस तरीके से रख करके 3.5 इंची डाउन कर दीजिए और इस तरह से आप फुल मार्क लगा लीजिए। ये फुल मार्क लगाने का मकसद ये है कि आपको इससे जो गुलाई है, गुलाई निकलने में आसानी होगा। अब दोस्तों आपको ये किनारी से मार्क लगाना है, ठीक है। ये जो किनारी है यहाँ से मार्क लगाना है, ये 10 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे, ठीक है। और 10 इंची के ऊपर मार्क लगाने के बाद में इसका किनारी तक ही हाफ मार्क लगाएंगे 5 इंची के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से जो किनारी से ही मार्क लगाएंगे यहाँ 5 इंची के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से मार्क लगा देंगे और इसको भी आपने मारिक फूली लगा लेना है। और यहाँ से 1/2 इंची की तरफ एक मारिक लगाना है, जैसे हम कोट में लगाते हैं, और इसको भी हमने सेम टू सेम इसी तरह क्रॉस कर देना है। ये हो गया। अब ये होने के बाद में दोस्तों आपको इस तरीके से एक मारिक लगाना है। आपको कितने आदमी जो है ना क्रॉस करते हैं, कितना आदमी क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस करने से क्या होगा, आपको जो बाजू जो जिस तरह कोट में साइड देखते हैं उसी तरह आपको ये भी साइड बैठा रहेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ से जो है ना एक मार्क यहाँ मिलाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये मिलाने के बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो मार्क है 4 इंची, इसका हाफ करना है 2 इंची। 2 इंची हाफ करने के बाद में दोस्तों ये मार्क देखिए हाफ मैं किया हूं, तो यहां से भी आपने 2 इंची का मार्क लगाना है। अब ये जो गुलाई है यहाँ से ये गुलाई इस तरह से लगाएंगे और ये हल्का हल्का निशान आप इस तरह से, और उसके बाद में इस तरीके से आप मार्क लगा देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच स्केल है तो आप इस तरह से इतना आसान तरीके से गुलाई घुमा लीजिए और इस तरीके से आपने
देखिए ये बाजू का गोलाई घूम गया, और यहां से भी आप, मेरा मकसद ये है, मैं एक पार्ट पार्ट करके इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा आ जाए जो सफारी जो कोट स्टाइल का बाजू, तो आपको आसानी में देख जाए। आपको ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ये पार्ट पार्ट करके बना रहा हूँ। और यहाँ से इसका बाजू जो है, यहाँ से ये 10 इंची है, तो पहले आप 1.5 इंची रखेंगे। 1.5 इंची रखने के बाद में आप 5.5 इंची रखेंगे, और उसके बाद में इस तरीके से मार्जिन, ये जो आप इस तरीके से, अगर आपको मार्जिन जितना देना है, 3 इंची देना है, 4 इंची देना है, 2 इंची देना है, अपने हिसाब से मार्जिन लगा लीजिए। मुझे 3.5 इंची देना है, तो 3.5 इंची मैं मार्जिन लगाया हूँ। तो पहले आपको फर्स्ट पार्ट, इसको मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को आपको कटिंग कर लेना है। और यहाँ से भी इसको, ये एक पीस को कटिंग कर लेना है, ठीक है? नीचे वाला पीस को नहीं कटिंग करना है, यहाँ से दोनों पीस को कटिंग कर लेना है, ठीक है दोस्तों? ये होने के बाद में आपने क्या करना है, इस तरह करने के बाद में दोस्तों आपको पहले मेजर मेजर करना है, ठीक है? यहाँ से आपको बाजू कितना रखना है, ठीक है? तो बाजू यहाँ से करना है, पहले आपको यहाँ से सामना नापना है, आपको बाजू तैयार कितना चाहिए। मेरा बाजू जो है ये 9 इंची सामना है, और इसका बाजू जो है ना 17 इंची है, तो मुझे 18 इंची के ऊपर मार्क लगाना है। और उसके बाद में यहाँ से भी 1 इंची का कम करके, इस तरह कम करके यहाँ से, मार्क लगाना है। पहले आपको इस स्केल से मार्क, फुल मार्क लगाएंगे, ठीक है जी? उसके बाद में दोस्तों, ये मार्क लगाने के बाद में यहाँ से आप इस तरीके से थोड़ा ज्यादा मार्क लगा दीजिए, से यहाँ से आपको कटिंग करने में आसानी होगा। तो यहाँ से आप 1.25 इंची का एक मार्क लगा दीजिए, 3x4 का, ठीक है? 3x4 का मार्क लगा लीजिए, और उसके बाद में ये जो मार्क आप ले, इसको उठा लीजिए, ठीक है? यहाँ से ये फुल मार्क जो ना, इस तरीके से, उठा लीजिए। तो दोस्तों, आप सब मेरे चैनल के ऊपर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ये जो कटिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये जो सफारी कोट मॉडल होता है, जिसका बाजू लंबा होता है, वो मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। कितना आदमी हाफ दिखाते हैं, मैं फुल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, से मुझे फुल कटिंग करना था इसका। तो आपको ये सफारी मॉडल का जो कोट का बाजू है, ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग का। तो मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, तो आप पूरा A से Z तक देखें, फिर आपको मालूम होगा। ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में यहाँ से आपने कटिंग कर देना है। तो इसका मैं आपको नाम नाप करके दिखा रहा हूँ, से आपको नाम कैसे आ रहा है इसका। तो दोस्तों, आप सब मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले देखें। तो आप सब
मेरे चैनल से जुड़े रहे, आप लोगों को बहुत ही आसान आसान तरीके से मेरे चैनल के ऊपर कटिंग और स्टिचिंग मिलता रहेगा। उसके बाद में ये साइड में जो ना 1 इंची का आप मार्जिन दे दें, अगर लूज टाइट हुआ तो इधर से भी आप लूज टाइट कर सकते हैं। तो ये सफारी जो कोट मॉडल है उसका बाजू मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद में यहाँ से आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका बाजू भी लग जाएगा और ये नाम भी आ जाएगा और इधर आपको ज्वाइंट भी नहीं होगा। अगर आपको इससे भी अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो यहाँ से नाप करके पहले इसका नापे बाजू कितना बाजू है, अगर आपको लग रहा है से मेरा बाजू लूज हो गया तो यहाँ से भी आप टाइट कर सकते हैं, इस तरह करके यहाँ से भी टाइट कर सकते हैं। अगर एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आप कटिंग किए, अगर लगता है कि मेरा कटिंग जो थोड़ा बड़ा हो गया तो आप इस साइड से भी कटिंग करके इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों मैं चीज आपको बता रहा हूँ इसलिए से आपको इधर से भी आप सिलाई में जितना लेंगे उस हिसाब से आपको कटिंग करना है। इस तरीके से यहां से काट देंगे, उसके बाद में आपका बाजू भी छोटा हो जाएगा और उसके बाद में आपका नाम भी कम हो जाएगा और आपका फिटिंग भी अच्छा आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद